अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज देखें माशाल्लाह से ईद का दूसरा दिन है और वेदर कितना खूबसूरत है। और इस वेदर की वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ कि आपके लिए प्यारी सा व्लॉग बनाऊं। और ईद का फर्स्ट डे तो बहुत बिजी गुजरा, आपको पता है कि गोश्त वगैरह और कुर्बानी का फर्स्ट डे ज़्यादा काम हो रहा होता है घर पे, तो इस वजह से सब मसरूफ़ होते हैं, तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन आज मुझे टाइम मिला है और वेदर बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, जिस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर लूँगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे, ये देखें, और शाहिद साहब का आपने सॉन्ग तो देखा भी है और इंजॉय भी किया होगा, शादी ना करना यारो, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। और उसमें आप सोचते होंगे पता नहीं क्यों शाहिद साहब ने सॉन्ग गाया है, लेकिन जस्ट फनी फनी है इस वजह से, और आवाज़ अच्छी है उनकी, तो इस वजह से भी मैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ये सॉन्ग आप गाएं। और फिर मैंने वो वीडियो आप लोगों को के साथ शेयर की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत लाइक किया। और इस टाइम इरम ने फरमाइश की हुई है मेरी बेटी ने पापा से कि आप नाश्ता लेके आइए, मैंने उनसे बोला है कि मैं तो आज बोंग का नाश्ता करूँगी, और इरम ने कहा है कि पापा वो खाएगी रानी के चने। तो आए देखते हैं, शाहिद साहब आ चुके हैं तो वो ले आए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से किचन में, ये देखिए, देख रहे होंगे शाहिद साहब को और राणा के चने, मोर्क चने और अरमान के लिए लस्सी के लिए दही। तो मेरी फैमिली से तो आप मुतारिफ हैं माशाल्लाह से, मेरा एक बेटा है एक बेटी है, इरम तो अक्सर वीडियोस में आपको दिखती होगी। और ये देखें माशाल्लाह से, ये हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, पहले आप देखते थे हमारा घर, बहुत ही ख़राब सा एक घर था जिसमें हम रेंट पे रह रहे थे, और अब भी ये रेंट का है लेकिन ये उस घर से बहुत बेहतर है। और चलो ये देखें, मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये उससे काफ़ी बेहतर है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपना घर भी दे। और फिर देखें ये देखें, ये ईद के ड्रेसेस वगैरह प्रेस होकर टंगे हुए हैं इरम का और मेरा, ये अरमान का कमरा है और अभी सब ऐसे ही पड़ा है, इंशाल्लाह जैसे ही हम नाश्ते से फारिग होते हैं तो चुटकी बजा के सारे काम से इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि जी। गाइस अब मैं A1 अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ आ गई हूँ और ये उनका घर है, और मैंने कहा चलें आज मैं इनके घर का भी आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ। और अब टाइम मिला है मुझे घर से निकलने का, तो अब मैं बड़ी सिस्टर की तरफ इरम के साथ आई हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ भी मेरी दूसरी बड़ी सिस्टर अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं। तो ये देखिए इधर भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आज मौसम हुआ, क्योंकि सुबह आपने देखा था गाइस कि माशाल्लाह से खूब बारिश हुई थी और बड़ा अच्छा वेदर था। तो इंशाल्लाह अभी मैं अंदर जाके आपकी सबसे मुलाकात करवाती हूँ। ईद मुबारक गाइस। ये इरम है और इनको भी मौका मिला शरारते करने का, और माशाल्लाह से ये देखें, ये देखें। ओके गाइस अब मैं अंदर चलती हूँ। ये गैदरिंग हुई भी है फैमिली में सारों
की। ये देखें सारे बकरा ईद इंजॉय कर रहे हैं। ये शदु है, और ये है मटो रानी, ये है अब्दुल्ला, और ये है शदु। और खूब इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। ये जो पार्ट था वैसे तो मम्मा ने शूट करना था, पर ये मुझे करना पड़ गया, क्योंकि जाहिर बात है जब वो बहनें आपस में मिलती हैं ना तो खूब गपशप होती है, वो भी स्पेशल ओकेजन हो उस पर। तो लास्ट में मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।